जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, मानसून का सीज़न शुरू होते ही कहीं पर नदियों में उफान, कहीं पर बाढ़ या फिर कहीं पर चट्टानों के खसकने के कारण बहुत सारी ट्रेनों में या फिर ट्रेनों के संचालन में बाधा बनता है। आज की भी घटना कुछ ऐसी ही है। ये घटना गया कोडरमा रेल सेक्शन पर हुई है। टनल नंबर 2 के पास लगातार बारिश के कारण चट्टान खसक कर ट्रैक पर आकर गिर गई, जिसके ठीक थोड़ी देर के बाद नई दिल्ली से रांची जा रही राजधानी एक्सप्रेस उसी ट्रैक पर आ जाती है। खैर, गलीमत ये रहती है कि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल जाता है। हालांकि ट्रैक पर गिरी चट्टान से टकरा कर ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो जाता है। ट्रेन चालक की सूझबूझ से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। दुर्घटना की वजह से डाउन लाइन से धनबाद आ रही सियालदह राजधानी सहित अन्य ट्रेन करीब 3 घंटे तक फंसी रही। रेल सूत्रों के मुताबिक बसकटवा और नाथगंज के बीच 2 नंबर रेल टनल के पास शनिवार सुबह करीब 5:17 पर डाउन लाइन पर काफ़ी मात्रा में चट्टान और मलबा आ गिरा। उसी समय नई दिल्ली से रांची जा रही राजधानी एक्सप्रेस गुजर रही थी। ट्रैक पर चट्टान और मलबा देख ट्रेन चालक ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोककर यात्रियों की जान बचाई, साथ ही इंजन बेपटरी होने से बच गया। हालांकि चट्टान और मलबे से इंजन टकराते हुए आधा इंजन टनल के अंदर प्रवेश कर गया। इस घटना के कारण इंजन काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना की सूचना धनबाद कंट्रोल को मिलने के बाद डाउन लाइन की सभी ट्रेनों को तत्काल रोक दिया गया। पटरी से चट्टानों को हटाने के बाद सुबह करीब 8:05 पर दूसरा इंजन जोड़कर राजधानी एक्सप्रेस को रांची के लिए रवाना कर दिया गया। हालांकि इस घटना में ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।